कि आपको बेस्ट पॉसिबल चांस मिले टू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम इस इरादे से हमने फास्टेस्ट रिविजन इन पॉलिटी किया वन हंड्रेड से कर रहा हूं आई एम डूइंग वन हंड्रेड में पूरा पॉलिटी दिस विल बी एंटायर पॉलिटी कंप्लीट ओके प्रियम्बल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पार्लियामेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव एवरीथिंग विल बी डन और ये आपको एक अनबिलीवेबल दे एडवांटेज दे देगा स्पेशली अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो अगर आप इसको पढ़ोगे अगर आपने इस पूरे इस वीडियो को देख लिया टिल द एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट पूरा एंड तक समझ में आए सो यू डू वॉच आउट फॉर द एंड पार्ट बिकॉज मैं वहां पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहूंगा आपको ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपको ट्रैप कर लेती है सो वॉच टिल द एंड नोट्स बनाओ एंड इस तरह की प्रिपरेशन तुमने आज तक नहीं देखी होगी सो so, इस सब्जेक्ट का वेरी हम्बली स्पीकिंग बट स्टिल वेरी कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग आई एम कंसिडर्ड एज ऑफ द एक्सपर्ट इन एटलीस्ट इन सो फार एज यू पी एस सी इज कंसर्ट इज दिसमीज मी सो मच और लव सो मच और रिस्पेक्ट सो मच और मैं दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू ऑल सीरियस एक्सपेन्ट कि यार तुम्हें मैं जितनी मदद कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट में रिगार्डलेस ऑफ के तुम पहली बार पढ़ रहे हो कि पचासवीं बार पढ़ रहे हो यूल गेट ग्रेट एडवांटेज डोंट मिस दिस एट ऑल आज का ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करें सो दिस इज द फर्स्ट सेशन विच इज द फास्टेस्ट रिविजन इन पॉलिटी और ये फास्टेस्ट रिविजन इन पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो पे क्लोज अटेंशन आज जो हमारा टॉपिक होगा विल बी प्रेम्बिल So we will be starting with मेरे से ये एक ऐसा टॉपिक है, है जिससे आप प्रैक्टिकली पूरा का पूरा पॉलिटी को कनेक्ट कर सकते हो यूपीएससी में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते यूपीएससी में हमेशा मार्क्स मिलते हैं कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के सो so, प्रियम्बल से अच्छा कनेक्शन शायद ही मिलेगा दिस इज द सम्मी ऑफिट्यूशन अगर आपने इसको समझ लिया मोरोलेस आपका बहुत सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाएंगे सो पे वेरी क्लोज अटेंशन बट इससे पहले स्टार्ट करें क्यों ना फुर्सत से तुम इस पूरे प्रियम्बल को पढ़ लो आई होप दिस स्क्रीन इज वेरी वेरी क्लियर एंड आई होप यू आर एबल टू वॉच दिस स्क्रीन एकदम नाउ क्लोजली वॉच एक एक वर्ड और पढ़ाई का आगाज करते हैं सो वर्ड इन द प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलि रिजोल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

से लेकर ऑल द वे ऑन दिस ट्वेंटी पूरा का पूरा तुम लोग को एब्सोल्यूटली याद होना चाहिए नाउ नोटिस करो कि मैंने इस प्रियम्बल को एज इट इज नहीं लिखा है इन द सेंस मैंने इसमें लिखा है वी द पीपल इसको अलग मार्क किया है सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको अलग मार्क किया है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी अलग तरीके से लिखा हुआ है ट्वेंटी सिक्स नवंबर 1949 मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट सो वी हैव वी द पीपल ऑफ इंडिया इसको आराम से फुर्सत से कॉपी कर लो सो वाई दिस कलरिंग ओके okay. अब जैसा मैं लेबल करना चाहता हूं वैसे तुम लोग इसको ध्यान से देखो सो so, तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सोर्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला वर्ड आएगा व्हाट इज द सोर्स तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा वी द पीपल तो ये हो गया पहला आंसर वी द पीपल इसलिए मैंने उसको एक अलग से मार्क किया है फिर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि वॉट इज नेचर ऑफ इंडिया तो नेचर ऑफ इंडिया आएगा सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ये हो गया पांच वर्ड इसलिए मैंने उसको अलग से मार्क किया फिर तुम्हें आएगा

एक उसमें बताया हुआ है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सोर्स कौन है पावर कहां से आता है, से आता है फिर हमारा नेचर क्या है, है, दे है और हमारा एम क्या है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है और डेट क्या है ट्वेंटी so, यहां तक हमारा कन्विंस हो जाएगा कि हम लोगों को प्रियांबल इन पार्ट्स को पढ़ना है तो हमने आज सच क्विक रिवीजन करने वाले बिफोर आई स्टार्ट So, एक अनाउंसमेंट है यूपीएससी आई एस बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच फॉर 2025 ट्वेंटी में है लक्ष्य बैच फॉर सीएससी हिंदी सी रफ्तार बैच ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंग्लिश में सो फिफ्टी परसेंट ऑफ का मौका है फिफ्टी परसेंट आधा पैसा डिस्काउंट है आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है कोड का नाम है लुक फॉर वट यू वॉन्ट टू स्टडी कौन सा कोर्स लेना चाहते हो कितने साल का कोर्स लेना चाहते हो वहां पे जहां रेफरल कोड की जगह होगी वहां पे यूज कर दिसंबर -E, so, को तक कोर्स खत्म या ऑफर खत्म हो जाएगा डोंट मिस दिस ऑपरचुनि फॉर एनीथिंग उसी तरह से हमारा एक और कोर्स है विच इज टारगेटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जो लोग दो हजार लो पच्चीस में एग्जाम दे रहे उनके लिए ये कोर्स है अगेन डोंट मिस दिस ऑपरचुनिटी

आप इसको फायदा आपको इतना जबरदस्त होगा ना बिकॉज बिना प्रिपरेशन और बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम की एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमको एग्जाम से इंटर प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने ये नहीं किया तो पता नहीं आप कैसे पढ़ाई करोगे सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टडी वेरी हार्ड विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट ये भगवान करे आप सब लोगों को दिन जल्दी आए ओके okay? जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करना चाहते हो और दोस्ट ऑफ यू हैव हैंडल्ड दिस स्टिल मीन

लाइटनिंग like स्पीड सारे के सारे टॉपिक होगा मेक श्योर कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करो मैं आपको क्विकेस्ट पॉसिबल रिविजन कराऊंगा इनमें कहानी सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है I'm sorry. डिफिकल्ट सब्जेक्ट का so, the here is, okay, quick is this, कि जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ो तो उसका बैकग्राउंड जरूर समझा करो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर दैकग्राउंड इज वेरी वेरी क्लियर बैकग्राउंड मतलब उसके बैकग्राउंड की स्टोरी So, हमने पियामबे लिखना स्टार्ट किया और राधा हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया सिर्फ so, बहुत बहुत जद्दोजहद के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम ऑफ द असेंबली थी नाउ प्लीज ट्राई फर्स्ट डे ऑफ दिट्यूट असेंबली हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया डज नॉट मीन एक दिन में लिखा जाएगा बिल्कुल सही बात है तो दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लगने वाले थे अब ये तो हमें बाद में पता चला लेकिन दो साल ग्यारह महीने दिन लगने वाले थे टू यह, लेकिन अब किसी को वेरी लॉन्ग प्रोसेस नाउ ट्राई किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे टू पीपल ऑफ इंडिया नाउ पीपल ऑफ इंडिया इस टाइम पर थोड़े से you know,

और उस 13 दिसंबर 1946 को स्पीच को जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसको बोला गया, words, समझो. एक था कि हम किस दिशा में, अपना बनाने वाले इस में बहुत सारे ऐसे वर्ड है बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस है, है जो एग्जैक्टली बाद मेंियांबल में आ गए और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ था लेकिन प्रियम्बल में कुछ और आ गया सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो प्लान था जिसके अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने वाला था उसके बाद होना था वो दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन की इतनी सारी डिस्कशन होनी चाहिए थी फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज किया और समराइज किया उसका नाम हो गया प्रियम्बल सो so, अगर आप प्रियम्बल को देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्यूटॉल्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरिट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक तुम्हें शायद दिख नहीं रो इसको पॉज करो जूम करो तुम्हें दिखाई देगा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ इंडिपेंडेंट सॉवरिन रिपब्लिक वहां पर लिखा हुआ था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशल सेक्युलर तो खैर बाद में आए थे वर्ड्स आई तुम नोटिस करो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है ऑफ द प्रियम्बल प्रियम्बल अलग है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलग है आई होप मैं तुमको ये बात समझा पाया 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एडमिट हुआ और फिर थोड़ा समय हुआ थोड़ा हो रहा था, जिन्ना का और सो और 22 जनवरी 22 1947 को इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया और फिर हमने अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया एक्सेट्रा आखिरी रीडिंग जो हुई थी आखिरी क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1949 को और उसको अंत किया था नवंबर नवंबर तो ट्वेंटी इसीलिए आपके प्रियम्बल में लिखी हुई वो तारीख है बिकॉज उस दिन थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द प्रियांबल खत्म हुआ आई होप मैं तुमको ये सब्जेक्ट समझा पा रहा हूं ओके okay.

सो so, पहले क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया सो फर्स्ट वर्ड्स आर वी द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड का मतलब क्या है सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया दैट इट इज अ सोर्स ऑफ पावर नंबर वन नंबर टू नंबर टू थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा ओके okay? ये वी द पीपल इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है वॉट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट वी द पीपल एक फिनोमिनल होता है पॉलिटिकल साइंस में उसको बोलते हैं ऑटोक् ऑटोक्थोनी का मतलब होता है टू बी रूल्ड बाय द सोइल ओके okay, ध्यान से सुनो एक्चुअली एक्चुअली देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम थोड़ी सी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में जाओगे तो सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 आया था देखो पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया क्रिप्स मिशन ने बोला कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए हमने बोला यस तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे हमने बोला यस बट मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोले जिन्ना बोले ये ना मेरे को अपना पाकिस्तान मांगता है राइट आई वॉन्ट सेपरेट पाकिस्तान

कि जी आप इलेक्शंस कर लो क्या पता तुम ही जीत जाओ मोहम्मद अली अजीज वेंट फॉर द इलेक्शन इन द जून जुलाई मंथ ऑफ दैट ईयर 1946 वी वेंट फॉर इलेक्शन ओके सो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इलेक्ट हुआ आई होप तुम मेरे साथ पेस पकड़ के रख रहे हो ओके okay. तो अगर तुम चैंपियन बनना चाहते हो तो यू हैव टू कम टू माई लेवल ओके सो द पॉइंट यहां पर है कि हम लोगों ने सोचा चलो यार ठीक है इलेक्शन कर लेते सो so, पूरे देश में पूरे देश में अबाउट थर्टी नाइन करोड़ पॉपुलेशन मानी गई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन होने के लिए प्रिंसली कि रजवाड़ों को भी बोला गया रजवाड़े लोग मना कर ना हम तो नॉमिनेट करेंगे तो 93 लोग नॉमिनेशन से आए बाकी सबको आना था इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का तो दिल्ली बैठ गया क्यों क्योंकि सीट्स क्योंकिउट करेगा अपन जाएंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सो नाउ इफ यू रिमेंबर अगर मैं इस स्टेज पर तुमको क्वेश्चन को पूछूं कि भैया असेंबली को परमिशन किसने दी तो तुम्हारा आंसर क्या होगा फटाफट -फड़ कमेंट सेक्शन में लिखो

कि सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 ने तुम्हें परमिशन दिया था तो so, अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि हु गेव द सैंक्शन टू द कॉन्स्टिट्यू हु गेव द सैंक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो तुम्हारा एकदम बिंदास आंसर होना चाहिए सर सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 अब तुम यहां पर इमोशनल हो सकते हो क्यों क्योंकि तुम बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो पावर वी द पीपल ने दिया अभी आप परमिशन सेकंड बोलोग ने दिया था प्लीज मेक श्योर दैट देर इज नो मिस्टेक अबाउट दिस पार्ट दैट एक्चुअली दिस इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस विल बी मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस अब इसको कैसे पता करोगे बिल्कुल सही बात है सो so, हुआ क्या स्टोरी में कंटिन्यू करूं okay, so, स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हुई और थर्ड जून 1947 आते आते लॉर्ड माउंटबेटन पर इतना प्रेशर गया कि उसने पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया फिर जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को एक लॉ पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस लॉ को बोला गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फोर्टी अब ध्यान से सुनना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इस बात को बड़ा क्लियरली दिया

कि इट विल टेस्ट यू इन एंड आउट तो मैंने क्या बोला तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज़ द नेचर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यून एडॉप्टन एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है सो so, आंसर आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फिर कितने वर्ड्स डाले गए बाय द फोर्टी अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन तो तुम्हारा वर्ड होगा तीन सोशलिस्ट और यहां से वर्ड इंटेग्रिटी तो यहां पर तो हम लोग क्या बन गए हम लोग बन गए सोवरेंट सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और हम लोग ओरिजिनली क्या थे हम लोग ओरिजिनली थे सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आई होप मैं तुम्हें यहां तक समझा पाया सो so, एक क्वेश्चन तो ये आ गया अब पहले मैं तुमको सॉवर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ये सारे वर्ड्स तुमको एक साथ समझा देता हूं सो right. so, ये मैं बाद में पूछांगा so, अब तुमको यहां तक पहले वर्ड मिलेगा वी द पीपल वी द पीपल हाँ एक बार प्रियम्बल टू तो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना यहां पर क्या लिखा है

वर्ल्ड का फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था और फर्स्ट टाइम प्रियम्बल भी यूएसए ने लिखा था ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन हो गया क्विक रिविजन चल रही है फटाफट आंसर लिखते चले जाओ सो थैंक्स टू यूएसए हमारे पास प्रियम्बल है थैंक्स टू यूएसए पूरे दुनिया में कभी भी है। एक और बात वही वर्ड्स वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर भी लिखा हुआ है वी द पीपल हमारे यहां पे भी वर्ड्स लिखा हुआ है सो so, दोनों जगह पर वही फिनोमिन इंडिजिनस है ये अपने अपने सॉइल है ये है

तो वो उस दिन का न्यूज़पेपर था इंडिया प्रोक्लेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रेजोल्यूशन क्या प्रियांबल है देखो, मैं सारा रिवाइज करा रहा हूं तुमसे जो मैंने अभी अभी कहानी सुनाई तो बोलना नहीं वो एकदम सेम नहीं है दिसंबर थर्टीन नाइनटीन फोर्टी सिक्स तेरह दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू साहब ने एडॉप्ट करवाया था या फिर इंट्रोड्यूस करवाया था वॉट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई थी लेकिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था द प्रीएम्बल और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का आखिरी दिन था इफ यू रिमेंबर 26 नवंबर 1949 उस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था ना बच्चे उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने को समराइज किया गया तो उस दिन हमारा विजन हमारा माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब प्रियम्बल है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंट है तो यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूसड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन थर्टीन दिसंबर इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट आउटलाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एम्फेसाइज इंपोर्टेंस ऑफ सेक्यूलरिज्म एक्सेट्रा एंड इट ऑल्सो कॉज दट इंडियान अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जी सोवरेन है सोवरेन का मतलब है हम जो फैसला करना चाहेंगे अपने देश के लिए उसमें कोई दखल अंदाजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे नो एक्सटर्नल पावर विल बी एबल टू इंफ्लुएंस वट विल बी द लॉ ऑफ दिस कंट्री वट विल बी द पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री

कि सर कमाल की बातें करते हो 26 नवंबर 1949 को आपने प्रियम्बल पे डेट लिख दी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया ऑन 26 जनवरी 1950 इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाते तो सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों वाई हैव यू डन दिस दिस वी हैव डन बिकॉज 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये वही है फोटोग्राफ उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी थी जिसे बोला गया था पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन अब इतना बड़ा इवेंट हो रहा था हमारी जिंदगी में हमारे देश के लाइफ में इतना बड़ा इवेंट हो रहा था सो उस बड़े इवेंट को आपको कमेमोरेट भी करना था 26 जनवरी को मेमोरेट करना एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट डे को हम लोगों को मैच करना था विद समथिंग सच अ बिग थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ आल्सो इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सोचा गया कि क्यों ना उस बड़े दिन को उस 26 जनवरी 1930 को ऐसे एक्सेप्ट करा लिया जाए कि वो 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1950 मैच हो जाएगा सो रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे को एंड को कमेमोरेट किया गया या फिर ऑब्जर्व किया गया मैचिंग द डेट ऑफ 26 जनवरी 1930 अब वर्ड समझो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे ध्यान से सुना 26 नवंबर 1949 एक साइड 26 जनवरी 1950 एक और साइड अब ध्यान से सुना तुम्हें वर्ड आएगा ऑन विच डेट डिड वी एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो अब आंसर देना ठीक है 1949 वाला डेट के 1950 वाला डेट तो आंसर इज

लेकिन क्वेश्चन आएगा मेजोरिटी ऑफ द आर्टिकल्स कब आए तो ऑफ़ आर्टिकल्स तो 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे so इस दिन क्या हुआ है इस दिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वर्ड पकड़ो सारा खेल शब्दों का बेस्ड है यूपीएससी एग्जाम सो वर्ड इज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड इज

ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फटाफट आंसर दो यू हैव थर्टी सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन फाइव मोर सेकेंड्स सो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस फोटोग्राफ से तुम्हें देख गया होगा ओके इट वॉजटीन दिसंबर 1946 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस मैंने पास नहीं बोला मैंने इंट्रोडक्शन बोला तो आई होप तुम कमेंट सेक्शन में क्विकली आंसर देना रेडी right, रहना और क्विकली आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ और राइट सो एक क्वेश्चन हो गया जिसका करेक्ट आ गया अपने आपको प्लस थ्री दे, दे देना और जिसका रॉन्ग आ गया अपने आपको माइनस वन दे, दे देना और जिसका जीरो आएगा जो अन हो रहा है उसको जीरो देना सबको बुला लो दोस्तों दुश्मन हो सब लोगों को देखते हैं किसको कितना आता है अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन आएगा कि वैन वॉज द तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ट थर्टी सेकेंड ऐसी फटाफट आंसर दो वेन वॉज द तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ट इंट्रोड्यूस तो तुमने आंसर दे दिया पास का आंसर दो वेन वॉज द तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्त क्विकली आंसर दो राइट तो मैंने बोला था 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस हुआ था 22 जनवरी 1947 को मैंने क्या बोला 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग अ मोशन एंड पासिंग अ मोशन सो यहां पर है 22 जनवरी 1947 यू हैव पास्ट इट सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ये एक क्वेश्चन हो गया ये एक और क्वेश्चन हो गया लेट सी अनदर क्वेश्चन ओके विच पॉलिटिकल इवेंट को इंसाइड विद द डे ऑफ ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो कौन से पॉलिटिकल इवेंट की वजह से रिपब्लिक डे को हमने ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को कर दिया इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन जिस दिन की डेट प्रियाल में लिखी हुई है ऐसा क्या किया था ओके okay, कौन सी डेट का कौन सा पॉलिटिकल इवेंट था जिसको हमने चेंज करवा दिया बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इवेंट वी हैड टू चेंज दिस सो इसका आंसर ये तो बड़ा इजी आंसर होना चाहिए ये आंसर भी मैंने तुमको बता दिया दिस वॉज द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन सो so, दिस वॉज द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन थर्टी के आई होप तुम लोग को ये सारे क्वेश्चन अब समझ में आ रहे हैं so, सो मुझे उम्मीद है कि तुमको मजा आ रहा है के एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ओ दिस पार्ट सो दिस वॉज द एंटायर पार्ट लेट सी एक और क्वेश्चन सो so, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं अगर तुम्हें आप क्वेश्चन आया कि ऑन द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या था नंबर वन चॉइस नंबर वन आएगा कि इंडिया वॉज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर सिर्फ रिपब्लिक तो आंसर क्या होगा आंसर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन आया टॉपिक और मैंने तुम्हारे यहां पर सो so, बीच बीच में पूछता रहूंगा मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है सो so, हमने पहला वर्ड यूज किया सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब हम लोग इसको बाद में फिर से आएंगे राइट तो so, एक हो गया सॉवरेन अब दूसरा वर्ड आया सोशलिस्ट जी सोशलिस्ट क्या हो गया सो सोशलिस्ट वर्ड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओके देखो प्लीज समझने की कोशिश करो ये वर्ड पहले नहीं था माना ये बात समझ में आ गई ये वर्ड भी पहले ही नहीं था हां ये तो बाद में आए तो ये सोशलिस्ट और सेक्यूलर की कहानी क्या यू टू थिंक वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड नाइनटीन फिफ्टी में 1950 में, okay, 1950 में

अगर तुम कुछ भी करोगे अपनी मर्जी से करोगे तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था फॉर जिनको आइडिया नहीं है कॉमनवेल्थ क्या होता है तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी जो वर्स वाइल ब्रिटिश कॉलोनी कहते थे ना कि ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था तो वो लोग बोलते थे कहते थे सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर अच्छा जी तो जब ब्रिटिश चले गए जब कॉलोनीस इंडिपेंडेंट होती गई तो सारी ब्रिटिश कॉलोनीस ने एक कॉमनवेल्थ बनाया एक ग्रुप बनाया उसको बोला गया तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नेशन ब्रिटिश एक्चुअली उसका पूरा नाम हो गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन अब 1949 में इंडिया ने भी कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया अब नेहरू जी से पूछा गया कि नेहरू जी हम लोग क्यों ज्वाइन करें तो हम लोग छूटे अभी तो हम, तो हम इंग्लैंड के साय से निकले तो अभी फिर से कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेंगे तो सवाल ये है ये तुम बताओ डस डॉइनिंग द कॉमनवेल्थ अफेक्ट द दिटी ऑफ इंडिया क्या ऐसा हो रहा है कि मैं अगर कॉमनवेल्थ ज्वाइन करवाता हूं इंडिया ज्वाइन करता है तो इंडिया की सॉवरिनिटी भी अफेक्ट है फटाफट फटा आंसर देना यस और नो यस और नो दोनों में फटाफट फटा आंसर देना और ये अगर तुम लोग ज्यादा ही अच्छा आंसर दे सकते हो तो मुझे बड़ा मजा आएगा अगर तुम मुझे यह बात बता सकते हो कि वाई नॉट या वाई यस दोनों क्विकली यू आर थर्टी सेकेंड्स डज ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ अफेक्ट द सॉवरनिटी ऑफ इंडिया यस या नो जल्दी जल्दी आंसर दो कमेंट सेक्शन में तो थर्टी सेकेंड यस यू नो यस नो और लगे तो इसी क्वेश्चन को ये भी आंसर दे दो लो सर आप तो पीछे पड़ गए डस दोनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डस द यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ज्वाइन किया था आपने हाँ यूएनओ हम यूएनओ के मेंबर है बिल्कुल है तो हम यूएनओ के मेंबर भी है हम कॉमनवेल्थ के में मेंबर भी है अब ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से क्या हमारे सॉवरिटी पे फर्क पड़ता है और नो फटाफट आंसर दो तो आंसर ऑफ कोर्स इसका है नो ये क्यों है भैया हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर ली बट इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा पड़ेगा लेकिन क्या होता है सपोज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंट्री को बोलती है इंडिया को बोलती है कि देखो तुम तो ऐसा करोगे ऐसा होगा तो तुम ये कर लो तो हम उनकी सुनते जरूर है लेकिन वो हम करें या ना करें इस कंप्लीटली माई कंट्रीज कॉल It is a decision of my country, it is a decision of India to whether accept United Nations resolution or United Nations advice or whatever. The same thing can be said also for the Commonwealth. And on the same same logic, we can say the same thing for the Commonwealth also. In fact, Commonwealth is a very good word. Use kya gaya tha, Commonwealth ko joining is an extra legal arrangement. Kya word use kya? Extra legal arrangement.

रिगार्डलेस ऑफ किससे ज्वाइन करना है अपने को फर्क ही नहीं पड़ता सो so, बिंदास ऐसे तो अब क्वेश्चन आएगा ज्वाइनिंग द ब्रिक्स अब जो होते हैं ना जो नादान लोग होते हैं जिनको पॉलिटी वॉलिटी समझ में कुछ आता नहीं हमें रटते वटते चले जाते पूरा तीन साल काट लेते फिर वो तो यूपीएससी बड़ा टफ है बड़ा पढ़ने का स्टाइल होता है सो डस ज्वाइन इन द ब्रिक्स अफेक्टर्स ऑलरेटी ऑब्वियसली नो तो जिसका भी नाम लेना है तुम्हें तो जी ट्वेंटी नो ब्रिक्स नो सार्क नो आई होप यी पे जीरो सो एबसोल्यूटली क्लियर अब आते सोशलिस्ट वर्ड पे सो so, मैंने तुम्हें बोला कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे सोशलिस्ट वर्ड तो था ही नहीं बट okay? क्या हमारे सोशलिजम भी नहीं था अरे क्या क्वेश्चन है मैंने क्या बोला सोशलिज so, वर्ड नहीं था तो क्या हमारे अंदर सोशलिज्म की स्पिरिट भी नहीं थी अब सोशलिज्म की स्पिरिट क्या होती है सोशलिज्म की स्पिरिट होती है कि हम सबको समान अवसर दे समान अवसर दे इक्वल स्टेटस दे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे हाँ तो हम ये देने की सोचे थे बिल्कुल क्या हम लोग ये सोचते कि हर एक के साथ इक्वालिटी हो हर एक को इक्वल पॉसिबिलिटीज मिले हाँ ये तो होते हैं तो इसका मतलब है सोशलिज्म मेरी स्पिरिट में जरूर थी आई होप मैं बहुत समझा रहा हूं लेकिन मैंने सोशलिस्ट वर्ड यूज नहीं किया क्यों क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ मेरी सोशलिज्म है इंडिया के सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म है।, है और लेकिन 1950 में अगर मैं सोशलिस्ट वर्ड यूज कर देता ना सबको लगता मार्क्सिस्ट सोशलिज्म चल रहा है हमारा क्या थॉट था हमारा थॉट था गांधीयन सोशलिज्म का लेकिन दुनिया को क्या लगता दुनिया को लगता मार्क्सिस्ट सोशलिज्म हो गया। यू you नो know, वो जो में होता था सोवियत यूनियन में so, जबरदस्त वायलेंस है इनफैक्ट मार्क्स तो, तो चिल्ला चिल्ला के बोलता था ना रेवोल्यूशन करो वायलेंट रेवोल्यूशन करो यू नथिंग टू लूज बट द चीजें मार्क्सिज्म की थी गांधी थॉट प्रोसेस में तो वायलेंस का नाम ही नहीं आता ओके सो इट इज बाउंड टू बी कॉन्ट्रोडिक्टी एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आया हुआ है यूपीएससी में उसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म दोनों रिजल्ट चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी बड़ा खतरनाक लाइन है नज दैट मीन स्टेटलेस सोसाइटी कमिंग इनटू दिस पिक्चर गांधी जी बोलते थे एक ऐसा दिन आ जाए कि तुम खुद इतने सशक्त हो जाओ ग्रासरूट डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा हो जाए गांधी ग्राम स्वराज हो जाए स्वराज की स्टेट सुना कि स्टेट की जरूरत ही ना पड़े हम खुद ही इतने सशक्त हो जाए हम खुद ही इतने जिम्मेदार हो जाए हम खुद ही इतने स्वराज के लायक हो जाए कि हमें स्टेट की जरूरत ना पड़े अब इसका वर्ड क्या हो गया सर इसका वर्ड हो गया कि स्टेट स्टेटलेस बना मेरी बात तो हाँ सर वेरी गुड अब ये स्टेट स्टेटलेस लिखा मैंने मार्क्स से पूछा मैंने कहा मार्क्स तेरा भी इरादा ये ये बोला यस ये जो स्टेट होता है ना ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं ना जो बुजवार होती उसके साथ ना मिले हुए ये पैसे वालों के साथ मिला हुआ है ये हैव्स के साथ मिले हुए और उसकी वजह से होता यह कि जो पुअर लोग होते हैं जो वर्कर्स लोग होते हैं जो प्रोलेट होते हैं उनके साथ एक्सप्लोइटेशन होती है तो मैं एडवाइस करूंगा वायलेंट रेवोल्यूशन मैं एडवाइस करूंगा कि स्टेट को उखाड़ के फेंक दो और स्टेटलेस बना दो हो खतरनाक बात है मेरी बात समझ आई दोनों यही बात बोल रहे लेकिन दोनों का नजरिया कितना अलग है ये भी स्टेटलेस बोल रहे हैं, ये गांधी जी भी स्टेटलेस बोले गांधी गांधी जी कितने पॉजिटिव सेंस में बोल रहे गांधी जी बोले एक ऐसा दिन आए कि सिटीजन खुद के इतने ज्यादा लायक हो जाए इतने ज्यादा सशक्त हो जाए स्वराज करने लगे और जब स्वराज करेंगे तो वो दिन वो आएगा जब स्टेट की नौबत नहीं आएगी स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए सो द पॉइंट हेर इज दोनों स्टेटलेस थे लेकिन अलग थे अब तुमको क्या लगता है अगर सोशलिस्ट वर्ड लिख दिया होता मैंने क्या बोला अगर सोशलिस्ट वर्ड लिख लिया होता नाइनटीन में तो पूरी दुनिया को क्या लगता पूरी दुनिया को लगता मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात हो रही है हमको यह कंफ्यूजन करना नहीं था इसीलिए बाबा साहेब ने एक सोशलिस्ट वर्ड ही नहीं यूज यूज किया अरे सर वर्ड नहीं करने से समझ में में आएगा क्या क्या कि में क्या लिखा, है? क्या लिखा हुआ है प्रियांबल में वर्ड क्या लिखा हुआ है प्रियाम्बल वर्ड पढ़ो सारा खेल प्रियांबल में छुपा हुआ है प्रियाम्बल में क्या वर्ड लिखा हुआ है में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉर्ट्यूट इंडिया सोशलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टूल सिटीजन जैसे सोशल इकनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी बिलीव एन वर्षिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपरच्युनिटी सो क्या हमारे सोशलिज्म yes, हमने सोशलिस्ट वर्ड यूज नहीं किया बिकॉज मैं नहीं चाहता था अरे आंसर दो विच अमेंडमेंट एडेड थ्री वर्ड टू द प्रियम्पल कौन से अमेंडमेंट ने तीन वर्ड्स ऐड किए टू द प्रियांबल वेच अमेंडमेंट एडेड थ्री तुम्हारा थर्टी सेकेंड्स है क्विकली आंसर दो वेच अमेंडमेंट एडेड थ्री वर्ड्स टू द प्रियाम्बल तो अमेंडमेंट में ऐड किया गया यानी कि अमेंडमेंट मतलब चेंज किया गया संशोधन किया गया कौन से अमेंडमेंट से

जहां पर यूनिटी लिखा हुआ था वहां पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी डाला गया जहां पर सॉवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गया था वहां पर सोशलिस्ट और सिक्योर भी डाला गया सो थ्री वर्ड्स एडेड सॉरी बाय दिट्यूशन सेकंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवन सिक्स अब तुम्हें तो क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टर्म्स और हाउ मेनी वर्ड्स वर एडेड लिख देंगे कभी कभी word, लिख लिख देंगे, देंगे, अब है, जल्दी से आंसर दो How many terms or how many words were added to the preamble in 1976? Quickly answer though. How many terms or how many words were added to the preamble in 1976? Quickly answer though. Quickly, quickly, quickly. Quickly, quickly, quickly answer though. एंड मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया the words, the और अब इनको रख लेना तो ये हो गया, 1976, और तीन ले थे so ये तुम लोग को क्लियरली याद होना चाहिए अब एक सर अचानक पुराना क्वेश्चन अरे मैं जब मर्जी जो मर्जी पूछूंगा रिविजन चल रही सो वॉट इज द सोर्स ऑफ पावर टू द प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है डोन्ट गेट इन टू दिएम्बल पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ कुछ क्वेश्चन इतने ज्यादा एक दूसरे से मर्ज करते हैं कि यू यू शुड नॉट एक्चुअली पुट द हेड एक ऑफ आस्किंग इतना सारा तो वॉट इज दोर्स ऑफ पावर टू द प्रियम्बल एंड सोर्स ऑफ पावर टू द प्रियांबल मेरे ख्याल से तुम्हें वो वर्ड याद हो जाता so, क्वेश्चन आएगा किस कौन सा है सोर्स ऑफ पावर तो बोलना पीपल ऑफ इंडिया और ये हम लोग साबित कर चुके हैं राइट सो ये एक और क्वेश्चन आ जाएगा वी द पीपल सो वर्ड इज सॉवरन ओके okay, हमने कर लिया ये मैंने तुमको समझा दिया कि सॉवरेंस के वर्ड ऑफ चाहे बात करो चाहे कॉमनवेल्थ की बात करो इट विल नॉट अफेक्ट यू इन एनी वेज सोशलिस्ट वर्ड मैंने तुम्हें बता दिया कि हम लोगों ने जान बुझे नहीं लिखा सोशलिस्ट बिकॉज इट वुन कन्फ्यूज विस्ट सोशलिज्मिंग फादर्स ऑफ दिट्यूशन फिर से ध्यान से सुनो अरे यार कितने क्वेश्चन आ रहे बेटा क्विक रिविजन चल रहा हैज इंडिया एडोप्टेड गांधी सोशलिज्म और हैज इंडिया अडोप्टेड ऑफ़ द टू वाह आंसर दो तुम्हारे पास तीस सेकेंड है क्विकली आंसर दो इंडिया ने कौन सा सोशलिज्म किया है मार्क्स मिक्स ऑफ द टू जल्दी से आंसर दो हैज इंडिया अडोप्टेड मार्क्स सोशलिज्म गांधी सोशलिज्म और मिक्स ऑफ टू देखो अब अगर तुम ऐसे कोई बुक बुक पढ़ लेते हो तो तुम लोग ऐसे उल्टे बड़ा स्ट्रेंज वे ऑफ आंसरिंग अ वेरी सॉलिड क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये पूछा जाएगा कि गांधी सोशलिज्म में आपने क्या क्या अडॉप्ट किया है तो बोल देना कि हमने इंडिविजुअल फ्रीडम किया है इसको लिखते चले जाओ हमने ये किया है सोशल हार्मे को हम लोगों को लगा कि पीसफुल मीन से आ जाता है एजुकेशन से आ जाता है पर्सुएशन से आ जाता है नॉन वायलेंस से आ जाता है सेल्फ रिलायंस से आ जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन से आ जाता है ये सारे लिख लो तुम लोगों को टॉपर बना रहा हूं सो so, ये सारे एलिमेंट्स है ऑफ गांधीयन सोशलिज्म सर बट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से क्या है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में सेंट्रलाइज पावर्स थी ओके तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह का आंसर देना है तो तुम लोग लिख लेना मार्क्सिज्म था कुछ ऐसे ऐसे प्रोफेशन से कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें मोनोपोलो थी मोनोपोली जो मर्जी बोलो सो so, मोनोपोली जो थी दैट टू बी डन बाय वो मार्क्सिस सोशलिज्म था तो तुम्हें मालूम होगा कि शुरू शुरू में अभी तो वैसे काफी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया शुरू शुरू में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेंट्रलाइज किया गया वो कहां से आया मार्क्सिज्म से बहुत सारा कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस सारा का सारा गवर्नमेंट के पास था वो सारा का सारा मार्क्सिस सोशलिज्म से आया सो कैन वी कॉल आवर सोशलिज्म ब्रांड एज democratic डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाह अच्छे आसान तरीके से पूछा नहीं जा सकता कितने प्यार से मैंने तुम्हें एक बहुत ही बड़ा ज्ञान दे दिया और मैंने ज्ञान ये दे दिया कि यस खुद ही आंसर दे रहा हूं यस खुद ही मैं आंसर दे रहा हूं क्योंकि इंडिया का सोशलिज्म को अगर डिस्क्राइब करना है तो आप डिस्क्राइब करोगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नेहरू जी खुद अपने शब्दों में खुद को ही बोलते थे हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट राइट देखा जाए तो यह बड़ा प्यारा वर्ड है मुझे पता नहीं तुम लोग को यह बात समझ में आई है क्योंकि तुम तो उस लेवल तक पढ़ रहे हो कि नहीं बट जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा देखो द एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ द कोल्ड वॉर ओके एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ द कोल्ड वॉर किस बेसिस पर है या फॉर मैटर अगर ऐसे भी ना बोला जाए तो वाइ कोल्ड वॉर ऐसे पहले ही बोल लो देर आर टू थॉट्स कौन से दो थॉट्स है एक कॉन्फ्लिकिंग थॉट है कि जी हम लोग तो सोशलिस्ट होने चाहिए

तो उसका मतलब है एक रिच रिच रिचर होता जाएगा एक पुअर 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 होता चले जाएगा एंड सो ऑन एंड सो वो तो हम लोग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप लोग आप लोग इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेशर को वैल्यू देते हो हम सोसाइटी को ज्यादा देते हो ओके okay? इसलिए वर्ड आ गया सोशलिज्म सोसाइटी सोशलिज्म और सोशलिज्म का ही एक एक्सट्रीम एक फॉर्म ओके विच वाज नॉट एक्चुअली वो काफी बदल जाना चाहिए था बट फिर भी एक एक्सट्रीम फॉर्म या फिर एक्सट्रीम एंड ऑफ दैट स्पेक्ट्रम वॉज कम्युनिज्म तो एक तरह से लिबरल आइडियोलॉजी और सोशल सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकरा रही थी और फिर तुमने यहां पर वर्ड लिख दिया दे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाह बहुत ही बढ़िया वर्ड ओके यानी कि आपके पास दोनों चीजें होगी एक साइड पर डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है एक साइड पर सोशलिज्म की बात हो रही है ये कैसे हो गया सर ये दो अलग अलग पथवार हाउ इज ईस्ट एंड वेस्ट मर्जिंग इन वन यू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस सो जब कैपिटलिज्म राइज हो रहा था तब तो वो लोग जो पैसे वाले हो रहे थे इंडस्ट्रियल नेशन से वो होने लग गए लेकिन धीरे धीरे हमको रियलाइज होने लग कि उसमें एक होती है धीरे धीरे हमको ये रियलाइज होने लग गया कि उसमें यू you नो know, पॉपराइजेशन हो रहा है एलियनेशन हो रहा है क्लास स्ट्रगल हो रहा है क्लास डिवाइड हो रहा है एंड सो सोवन एंड सो फोर्थ तो ना धमाका आने लग गया जैसे रिएक्शन आने लग गया सोशलिस्टिक रिएक्शन होने लग गया एंड सोशलिस्टिक रिएक्शन में यह होने लग गया द एंटायर सिचुएशन सब लोग पब्लिक को क्या लगेगा यार एक ज्यादा रिच हो रहा है एक ज्यादा गरीब हो रहा है एंड ऑन एंड सोफोन सो एट दिस स्टेज एट दिस स्टेज कैपिटलिस्ट को एक चैलेंज मिल गया सो इट वॉज ध्यान से सुनना अ कैपिटलिस्टिक रिस्पॉन्स टू सोशलिस्टिक चैलेंज मैं फिर बोल रहा हूं कैपिटलिस्टिक रिस्पॉन्स टू सोशलिस्ट चैलेंज आया और वो कैपिटलिस्टिक रिस्पॉन्स टू सोशलिस्ट चैलेंज को नाम दिया गया वेलफेयर स्टेट का सो कैप कैपिटलिज्म ने रिएक्ट किया तो एक तरह से जब आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बात कर रहे हो तो आप मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से डिवेट कर रहे हो लेकिन आप लिबरल आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा खिलाफत में नहीं जा रही यूर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट सो पोलिटिकली स्पीकिंग हम लोग क्या थे इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट क्या हमारे पास लिबर्टी है ये yes. क्या हमारे पास पार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है येस yes. तो हम वो सारी चीजें वेस्ट से लेकर आए लेकिन हमारा आइडियोलॉजी हमारा जो इंटरनल थॉट प्रोसेस था वो सोशलिस्ट था सो वोट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन हम लोग बन गए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सो so, नेहरू जी का लाइन वॉज वेरी वेरी क्लियर इसका मतलब है वी वर वेरी वेरी श्योर कि हम लोग सोशलिस्टिक होना चाहते कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग सही में सोशलिस्ट होना चाहते थे अरे एबसोल्यूटली कांग्रेस ने बहुत बार बोला था कि हम लोग सोशलिस्ट होना चाहते हैं इनफैक्ट हमारा डीपीएसपी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है और उसी तरह से हमने एक्चुअली प्रियम्बिल में भी लिखा हुआ था इक्वालिटी स्टेटस एंड ऑपरचुनिटी मैं समझा पा रहा हूं मुझे बड़ा मजा आ रहा है अगर तुमको यह बात समझ में आ रही है तुम हो जाओगे चैंपियन तो हम लोग करना क्या चाहते थे हम फाइनली करना चाहते थे क्लासलेस सोसाइटी बट गांधी जी चाहते थे थ्रू पीसफुल मीन्स मार्क्सिस्ट भी चाहते थे क्लासलेस सोसाइटी बट वो चाहते थे थ्रू रेवोल्यूशन सो दोनों का एम था स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी लेकिन तरीका इतना डिफरेंट था मैं नहीं चाहता था किसी तरह की कंफ्यूजन हो इसीलिए हमने वर्ड ही नहीं यूज किया अब आ गया वो ओह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड द वर्ड इज सेक्यूलर दिस इज अनदर वेरी पार्ट मैं फिर हूँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा ही नहीं हुआ था तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिखा हुआ था और सॉरी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ था सोशलिस्ट और सेक्यूलर वर्ड लिखा ही नहीं हुआ था अब सेक्युलर क्यों नहीं लिख दिया यार व्हाई डिड यू नॉट राइट सेक्युलर क्या हम लोग सेक्युलर स्पिरिट में नहीं है हम लोग पक्का सेक्युलर स्पिरिट में इनफैक्ट हमारा डीएनए ही सेक्युलर है राइट right? मैं अजल से बंदा इश्क हूं मुझे जो कुफर का गम नहीं मेरे सर को दर तेरा मिल गया मुझे अब नहीं मेरी बंदगी है वो बंदगी जो देरो हरम नहीं मेरा एक नजर तुम्हें देखना बा खुदा नमाज से कम नहीं ये है इंडिया का सेक्युलर स्पिरिट सर्वधर्म संभाव हमारा है सेक्युलर स्पिरिट ये हमारे डीएनए में सो ऐसा नहीं था कि हम लोग सेक्युलर नहीं थे हमारा मन से हम सेक्युलर थे हमारा Preamble में लिखा हुआ था लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप ये हमने लिखा हुआ था। लेकिन क्यूं? okay? so सुनाऊंगा तो इटली में एक फिलोसोफर था उसका नाम था निकोलो मैकियावेली इटली में मतलब उस टाइम पे वो तो इटली था या नहीं था बट फ्लोरेंस नाम की एक जगह थी ओके okay? ना वहां पर एक एक फिलोसोफर हुआ करता था उसका नाम था निकोलो मैकेली अब उसने एक चीज रियलाइज की वो बड़ा बड़ा देशभक्त था था उसको उसको फ्लोरेंस फ्लोरेंस से बड़ा प्यार था। लेकिन में उसको लगा कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना बड़ी पथेटिक सी होती जा रही है ओके तो निकोलो मैकेवेली को पता चला कि जी ये इसलिए पथेटिक होती जा रही है क्योंकि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो इंटरफेयर कर रहा है फ्लोरेंस के राजनीति में तो उसको बड़ा गुस्सा है उसने एक वर्ड यूज किया सेक्यूलर इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सेक्युलरिज्म बोला जाता है उसने बोला कि भाई जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना तुम लोग है ना पॉलिटिक्स में मत इंटरफेयर किया करो और पॉलिटिक्स तुम उनके काम में मत इंटरफेयर किया करो इससे होता कि तुम अपनी धर्म की बातें पर ध्यान दो उस पर अपना काम करो तुम इधर मत इंटरफेयर करो तुम इधर मत इंटरफेयर करो ये जो कंप्लीट सेपरेशन हुआ मैं फिर बोल रहा हूं ये जो कंप्लीट डिविजन हुआ बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन इसको नाम दिया गया था सेक्युलर तो अभी अभी मैंने क्या बोला मैंने बोला मैं सेक्युलर वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए अब क्या कंफ्यूजन है कंफ्यूजन यह है कि इंडिया का सेक्यूलर स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि हम लोग बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे इनफैक्ट इसका उल्टा मतलब है कि हम समान रूप पर इंटरफेयर करेंगे या फिर समान रूप पर सबको ट्रीट करेंगे So, हमारा स्टेट विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस विद ऑल रिलिजन कोई भी स्टेट रिलिजन नहीं होगा कोई भी एंटी रिलिजन नहीं होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है कर सकता है कब कर सकता है जब तुम ऐसा कुछ करो फॉर एग्जाम्पल तुम पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ चले जाओ पब्लिक पीस के खिलाफ चले जाओ इन द नेम ऑफ रिलिजन बहुत सारे लॉज बनाए हुए हमने हिट स्पीच के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस है उसको डैमेज कर दिया स्टेट इंटरफेयर कर सकता है बिल्कुल कर सकता है लेकिन ओनली इन सर्टन केसेस हम फिर भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन डिनोमिनेशन को भी प्रमोट नहीं करेंगे वेरी यूनिक ब्रांड तो इंडिया सेक्युलर है हंड्रेड परसेंट लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म एक यूनिक फीचर है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ़, फेथ एंड वर्शिप ये क्या है ये गांधी कॉन्सेप्ट है गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभाव ये हमारा सेक्युलर स्पिरिट है वर्ड यहां पर यह कि तुमने वर्ड यूज कर दिया सेक्यूलर अब ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में आया इस पर बड़ा मेजर डाउट है क्यों आप सेक्युलर वर्ड यूज करते हैं आपको जो थॉट प्रोसेस आ रहा है देखो जहां से डेफिनेशन शुरू हुई हमको वही डिफाइन करना पड़ेगा ना डेफिनेशन स्टार्ट होगी वेस्टर्न यूरोपियन सेक्यूलरिज्मी ने यूज किया तो वो जो क्या हम वो सेक्युलर है नहीं तो फिर यूज का किया? ये बात भी सही फिर आपने इसको यूज क्यों किया यार वाई डिड यू यूज इट तो अगर तुम इसको बात करोगे तो दिस इज अ बुक दिस बुक इज बाय सुभाष कश्यप इस बुक इज को होल्डर आर कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम सुभाष कश्यप साहब की बुक पढ़ोगे तो तुमसे पूछा जाएगा तो सुभाष कश्यप बोलेंगे सुभाष सुभाष से पूछो कि से क्या सेक्युलर वर्ड यूज़ करना चाहिए था या फिर सेक्युलर वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था तो सुभाष कश्यप से पूछा गया कि शुड वी और शुड वी हैव हाँ नॉट यूज द वर्ड सेक्युलर तो सुभाष कश्यप से वी वर ऑलवेज सेक्युलर इंडिया वॉज ऑलवेज सेक्युलर प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट दिस वॉज मेयरली प्लेइंग पॉलिटिक्स अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस we अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा डिशन ऑफ द वर्ड सेक्यूलर और डस एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एक्चुअली हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस बोलना नो उसका कोई नहीं बिकॉज वी वर ऑलवेज सोशलिस्ट इन स्पिरिट वी वर ऑलवेज सेक्यूलर इन स्पिरिट इट वॉज तुम्हें क्वेश्चन आएगा इज द अमेंडेबल यार प्रिया क्वेश्चन इज द प्रिया अमेंडेबल जल्दी से आंसर दो यस और नो यस और नो यस सर ऑब्वियसली इज द प्रियांबल अमेंडेबल अभी तो पता है हमको पता है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है विचार पूछ रहे हो बिल्कुल शुड यू अमेंड द प्रियाम्बल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुड यू देखो प्रियम्बल अमेंडेबल है मतलब चेंज किया जा सकता है हाँ सर किया जा सकता है बट क्या ये किया जाना चाहिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बिकॉज तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए ना बेटा तो उसकी सम्मी बनाई गई मेरी बात समझ में आ रही है उसकी एक सम्मरी बनाई गई उसका एक विजन बनाया गया सोच के देखो कि जब उस कॉन्स्टिट्यूशन की सम्मी बनाई गई ओके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन की सम्मी बनाई गई और तुमने कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही छोड़ा लेकिन उसके आखिरी पिक्चर आखिरी जो फोटो है वो बदल दी डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस इसलिए बोला जाता है यस इट इज इज लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्रियांबिल को अमेंड किया जाना चाहिए था उसको एक्चुअली डिस्करेज करना था अब एक और क्वेश्चन करो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म ओहो तुम्हारे पास वन मिनट है फटाफट आंसर लिखो वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है और इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है क्विकली आंसर दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म जल्दी से आंसर दो तो तुम्हारे पास मैकिया वैली होना चाहिए तुम्हारे पास गांधी थॉट प्रोसेस होना चाहिए दो वर्ड्स उधर लिखो दो लाइन उधर लिखो दो उधर लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में डालते जाओ वट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म अभी है तुम्हारे पास से थर्टी सेकेंड क्विकली आंसर दो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्यूलर तो तुम्हारे पास ऐसे लाइन होनी चाहिए ओके एंड यू शुड राइट अ वेरी फास्ट आंसर बट यू शुड राइट अ वेरी क्लियर आंसर ऑन दिस ऐसे लाइन बना देना इधर लिख लेना वेस्टर्न ब्रांड इधर लिखना इंडियन ब्रांड ये है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन सेट एंड रिलीजन यहां पर बोल देना इट मेंटेन्स वी कैन इंटरफेयर बट ओनली इन सर्टन मैटर्स यहां पर okay, तुम बोलोगे, ने बोला था, इंडिया में, religion, हम सब लोगों को समान निगाहों से देखते हैं सो दिस इज गांधी वॉट इज कॉल्ड धर्म संभव सो यह तुम्हें याद है सो यहां पर क्वेश्चन आएगा कैन द स्टेट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स इन इंडिया आंसर क्या बोलोगे नो जल्दी से आंसर दो कैन द स्टेट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स इन इंडिया और आई थिंक विदाउट एन आई ऑफ डाउट यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी येस इन फ्यू मैटर्स ये इट कैन इंटरफेयर सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट येस इट कैन बट इन फ्यू मैटर्स नॉट एवरीवेयर डज इंडिया हैव अ स्टेट रिलीजन अरे यार ये सो नो जल्दी से आंसर डज इंडिया हैव अ स्टेट रिलीजन क्या इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है क्या इंडिया सिर्फ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है कि कोई रिलीजियस नाम आगे लिखा हुआ है डज इंडिया हैव अ स्टेट रिलीजन जल्दी से आंसर दो oh, sir, no. और सर ऑब्वियस आंसर है नो इंडिया केवल रिपब्लिक ऑफ इंडिया है देयर इज नो स्टेट रिलीजन और क्वेश्चन आएगा इज इंडिया एंटी रिलीजन अरे रिया नॉर्थ कोरिया एंटी रिलिजन इज इंडिया एंटी रिलिजन सर्टनली नॉट सर्वधर्म संभव है सर्वधर्म संभव वी आर रिस्पेक्टिंग एवरी रिलिजन सो हम लोगों को सबके रिलिजन एक्सेप्टेड है एवरी वन शुड अंडरस्टैंड ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट टू वर्ड्स एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दो वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं डेमोक्रेसी हमारा पहले दिन से विश्वास है कि हम तो डेमोक्रेसी को होंगे so, दो चार वर्ड्स को समझने की कोशिश करो डेमोक्रेसी मीन अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अरे ये तो स्कूल में पढ़ा था उसका कोई मतलब नहीं है जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि डेमोक्रेसी में होता क्या डेमोक्रेसी तब बनती है एक्चुअल ट्रू ब्लू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है विच एक्चुअली रन बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल कंसेंट ऑफ द पीपल मतलब एक्चुअली जो परमिशन मिल रही है सरकार को फैसला करने की वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों ने हा बोला है। सर लोगों ने कैसे हाँ बोल दिया अरे बाबा लोगों ने इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि उन्होंने फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन से अपना कंसेंट जाहिर किया कैसे इलेक्शन करके वोटिंग करके वोटिंग करके उन्होंने एक, एक सरकार को चुना वो सरकार उनके बिहाफ पर बिहाफ पर फैसला करती है अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है छोटे छोटे कंट्रीज में छोटे छोटे एरिया में जैसे स्विट्जरलैंड के कैंटोन वगैरह एरियाज में वहां एरिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हम नहीं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर इलेक्शन जो हमने चुने इलेक्शन से वो हमारी जगह पर फैसला करते हैं सो दिस इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रेफरेंडम रिकॉल प्लेबिसाइड ये सब इंडिया में होता ही नहीं है सो इंडिया डज नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्ड है कि डेमोक्रेसी में बड़ी कमाल की बात है डेमोक्रेसी में एक आम इंसान आम इंसान हम तुम सिटीजन हमारी विजडम पे भरोसा किया जाता है यार ये जीनियस नहीं होगा ये हो सकता पढ़ा लिखा भी ना हो लेकिन उसमें विजडम है उसमें इतनी जहानत है कि वो ये फैसला कर सकता है कि उसको कौन इलेक्ट करना है किसको वोट देना है और कौन उसका इलेक्टोरल फैसला होने के बाद उसकी बिहाफ पर कौन फैसला करेगा कौन देश का लॉ बनाएगा कौन देश का पॉलिसी बनाएगा सो so, मोदी जी ने एक दिन बहुत अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने बोला था मैं प्रधानमंत्री नहीं मैं प्रधान सेवक हूं वज दैट मीन दैट एक्चुअली सीज कि एक्चुअली द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द पीपल ज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब तक तुम डेमोक्रेसी को इस वर्ड से नहीं समझोगे तब तक तुम्हें हमेशा ये दिखता जाएगा कि डेमोक्रेसी मतलब चुनाव होता है जिससे कि तुमको ये बात समझ में आ जाए कि नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक अब रिपब्लिक के बहुत सारे मतलब हो सकते पहला मतलब जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑफन रिपीटेड मतलब है ना मतलब मोनार्की ना होना मोनाकी ना होना मतलब वो राजाशाही ना होना इंग्लैंड वाला ना हो इंग्लैंड में मोनाकी कॉन्स्टिट्यूशन कि वहां पर एक राजा है एक रानी है जो कि डायनेस्ट है ओके okay? वो इलेक्टेड नहीं है तो जो इलेक्टेड नहीं है तो फिर तो वो एक फैमिली कंटिन्यू हो रही है जैसे अभी प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए क्यों क्योंकि वो क्वीन एलिजाबेथ के सुपुत्र थे तो वो हाउस ऑफ विंडसर चला आ रहा है इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वहां पर हेड ऑफ द स्टेट राजा रानी यहां पर हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे प्रेसिडेंट साहब साँग या साहिबा हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इसका मतलब ऑफिस है, जो, जो है क्या सिर्फ इतना ही मतलब होता है रिपब्लिक का नो no. क्योंकि रिपब्लिक का एक और मतलब होता है जो ज्योतिबा फुले स्कूल ऑफ थॉट्स है यानी कि बाबा साहेब

इंडिया इज अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैसी कैसी बात करेंटिक रिपब्लिकेसी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फर्क क्या पड़ता है यूके रिपब्लिक है कि सिर्फ डेमोक्रेसी यूके यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम रिपब्लिक है क्या यूनाइटेड किंगडम कैसे पब्लिक रिपब्लिक होगा सर कैसी बातें कर रहे हो यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पर राजा रानी है वहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट नहीं है तो हु इज द स्टेट इन रिपब्लिक जल्दी से आंसर दो हेड ऑफ द स्टेट इन अ रिपब्लिक जल्दी से आंसर दो सर हेड ऑफ द स्टेट इन रिपब्लिक एक जल्दी से कमेंट करो हु ऑफ द स्टेट इन अ रिपब्लिक Sir, जल्दी से आंसर दो हुट इन द रिपब्लिक स्टेट इन द रिपब्लिक हमेशा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक है यार ओके हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन मोनार्की अरे बाबा हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन द मोनार्की मोनार्की में कौन होगा हेड ऑफ द स्टेट तो हेड ऑफ द स्टेट इन मोनार्की डायनास्ट, one एक फैमिली का मेंबर होगा उसको किंग बोलो क्वीन बोलो जो मर्जी बोलना बोलो लेकिन अब मैंने तुम्हें एक और बोला था सर डेमोक्रेसी किस बात पे बेस्ड है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन क्या वर्ड है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कौन सा वर्ड है एक वर्ड पकड़ना है मैंने तुम्हें वर्ड पकड़ा था डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन वॉट जब तुम इलेक्शंस में वोटिंग कर रहे हो जब तुम किसी सरकार को वोटिंग कर रहे हो तो तुम अपना क्या जाहिर कर रहे हो तुम उनको क्या दे रहे हो तुम उनको दे रहे हो कंसेंट वट आर यू गिविंग यू आर गिविंग द कंसेंट तुम उनको कंसेंट दे रहे हो तुम हां बोल रहे हो कि हमें भरोसा है कि आप हमारा पॉइंट है अ डैश इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द विजडम ऑफ द कॉमन मैन कौन सी सरकार ऐसी होती होती है, है, कौन से टाइप की सरकार ऐसी होती है? Which depends, उसको भरोसा है कि जो आम आदमी है, उसमें समझदारी है वो इंटेलिजेंट है वो वर्च्यू है उसका उसको गुण है गुणवान बच्चे हो तुम लोग गुणवान लोग हो विजडम है कॉमन मैन को क्या है गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल मैं जो उम्मीद है तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आने लग गया है सो दिस इज द डेमोक्रेसी लेकिन अब क्या हो गया लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बंदिशें होनी चाहिए मुझे बात समझ अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई एक प्रजातंत्र बन गया लेकिन उस प्रजातंत्र के बावजूद उसके ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को बंदिश होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में एक बंदिश होनी चाहिए उसको रोकटोक होनी चाहिए लिमिट्स निर्धारित होनी चाहिए तो रिपब्लिक होते जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको लिमिट करना तो तुम्हें ये शायद खुद नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको पूछा नहीं है हमेशा याद रखना अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट ये भी प्रीवियस ईयर इज क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सो तुम्हारा डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेलगाम नहीं हो सकती उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रोकना चाहिए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट बोला जाता है मुझे उम्मीद है तुम्हें यहां तक कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है सो हम लोग देखो कितनी लंबी हमारी रेस खत्म हो रही है

एक्चुअली अगेन मोटिवेशन आया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएस रेवोल्यूशन है यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कहा से क्या एडोप्ट हुआ तो याद रखना हम लोगों को एडोप्ट हुआ ये फ्रॉम द रशियन रेवल्यूशन तो रशियन रेवल्यूशन में देखो तुमको दिखता जाएगा हाँ तो रशियन रेवल्यूशन में तुमको ये क्वेश्चन आएगा तो मेक श्योर दैट यू नो दिस तो इसको लिख लेना दैट द वर्ड्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इज डिराइव फ्रॉम इज डिराइव फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन और इट इज रिटर्न और इट वॉज द टैग लाइन ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन तो अगर तुम इसको देखोगे ओ हो तो अगर तुम्हें यहां पर तीन वर्ड्स दिखाई देंगे रशियन रेवल्यूशन आई होप तुम्हें यहां पर दिख रहा है तो यहां पे लिखा है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो ये क्वेश्चन है अब जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरह की चीज बहुत सिंपल तरीका जो तुम्हें डीपीएस में दिखाई देंगे सारे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है सारा ऑफ वेलफेयर स्टेट जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है तो प्रीएम्बल स्पीक्स ऑफ तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कौन कौन से तीन है कौन कौन से तीन है जल्दी से आंसर दो तुम्हारे पास थर्टी सेकेंड है क्विकली आंसर दो द प्रीएम्बल स्पीक्स ऑफ जस्टिस कौन से टाइप्स के जस्टिस जल्दी से आंसर दो मिक एंड पोलिटिकल आई होप मैं तुमको ये बात समझा चुका हूं सो द प्रियम्बल स्पीक्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ोर so sure कि तुमको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता हो अदरवाइज यू आर गोइंट टू मेक अक दे करते मालूम है ये लोग कभी कभी ऐसे नहीं पूछते बोलते प्रियम्बल स्पीक्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इसमें कुछ और भी लिख देते हैं लीगल या ऐसा कुछ भी लिख देते हैं प्लीज रिमेंबर उसको आप डेरेवेटिव में किसी को भी कैसे भी समझ सकते हो मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन डोंट यूज एनी अदर वर्ड्स एक्सेप्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डोंट गेट इन टू दिस अब आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फिर से मैंने तीन वर्ड्स लिख दिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम ओ हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम कहां से ये अडोप्ट किए द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कहां से अडोप्ट हुए हैं वेयर हैव यू एडोप्टेड दिस फ्रॉम तो ये आंसर अब मैं जो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा आंसर विल बी रशियन रेवोल्यूशन यू शुड बी नोइंग दिस पार्ट So, तुम्हें एक क्वेश्चन आया तो बाबा साहेब से पूछा जाता था नो you know, डॉक्टर अम्बेडकर से कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारा एम है कि सोशल डेमोक्रेसी एम है बड़ा ही प्यारा आंसर देते थे बाबा साहेब बोलते थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रास्ता है पहुंचने का जगह है सोशल डेमोक्रेसी यानी कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्चुअली हमारा फाइनल एम होना चाहिए देन द थ्री वर्ड्स आर

कि ये हमारी सेक्युलर स्पिरिट है राइट right? और इसमें और बहुत सारी चीजें सिर्फ सेक्युलर स्पिरिट नहीं है अगर आप तुम आर्टिकल 21 देखोगे उसमें लाइफ एंड लिबर्टी वर्ड यूज किया हुआ है सो ऑल ऑफ अस वर्ड्स तो ये सब कहां से आया फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम्हें क्वेश्चन आएगा लिबर्टी इक्वालिटी कहां से आया तो ये आया फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड विच इज एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द नेशन टी वर्ड कहां से आया जल्दी से आंसर दो इंटेग्रिटी वर्ड कौन सा अमेंडमेंट से आया इंटेग्रिटी वर्ड आया फ्रॉम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ़ सो द वर्ड टू बी अंडरस्टूड इज़ दिस अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जजमेंट का नाम लिख लो उस जजमेंट का नाम है बेरोबारी केस सो बेरूबारी केस 1960 का एक केस था जो

के बेरोबारी केस जजमेंट में ये बात बोला गया था। लेकिन लेकिन in the भारती केस और उसके बाद 1995 सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट का ओवर रूल किया और यह बात बोला गया कि को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाना चाहिए अब यहां पर दो तीन वर्ड समझ लो प्रियम्बल की तारीफ में बहुत सारे वर्ड्स होते नंबर वन इट इज विजन Of the founding fathers of the constitution, it is the key to the mind of the makers of the constitution. It is the actual, it is actually the lighthouse of the constitution. It is not the source of any power or limitation, but it only unravels the mind of the constitution or the mind of the makers of the constitution when you are confused. It is the identification card of the constitution, it is the jewel.

कि इतने से टाइम में मैंने एटलीस्ट तुम्हें पूरा का पूरा रिविजन करा दिया मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज करवा दिए तुम्हारे आई एम श्योर यू योर एंजॉय दिस एक बार इस वीडियो को फिर से देखना और ट्राई एंड मेक योर नोट्स एंड फिर भी अगर तुम चाहते हो कि यू वॉन्ट टू हैव इवन मोर डिटेल सी देर इज अ टाइम लिमिट और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि तुम लोग इतना समझ रह पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बट आई हैव डन माई बेस्ट आई होप तुम्हें मजा आया

डेट द प्रीएम्बल अब तक तो रट गया होगा तुमको डेट कॉन्स्टिट्यूशन सो मैंने उम्मीद की है मैंने थोड़े ही टाइम में अबाउट की क्लास रही होगी लेकिन मैंने तुमको ये एब्सोल्युटली समझा लिया बिफोर वी वाइंड बिफोर वी साइन ऑफ नंबर 1 फर्स्ट मैं आपको यह अनाउंस करना चाहता हूं नंबर टू विल और उसके बाद हम लोग इसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे वन हंड्रेड तक का एम है मेक श्योर दैट यू टेक फुल पार्टिसिपेशन अंडरस्टैंड दिस पार्ट एक अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के नए बैचेस हमारे अकेडमी में आ रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू टेक एडवांटेज Please use the code Sidlive. S I D L I V E, and we'll be very very happy to teach you. In the words of One Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you, and Jai hin.